स्टूडेंट हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको ये बताने जा रहा हूँ नंबर सीरीज। जैसा आप देख रहे हैं नंबर सीरीज लिखा है। नंबर सीरीज देखिए कई कंपटीशन में भी आता है, बहुत सारे कंपटीशन में आता है, तो आप नंबर सीरीज जनरली पढ़ लीजिए। अब मैं इसका एक टाइप बताऊंगा, ठीक है। एक टाइप वो है आपका रॉन्ग टर्म इन सीरीज, यानी आपका टाइप ये ही मान लीजिए इसको, ठीक है। अब आप अगर आप इसको लगा सकते हैं तो हमारे वीडियो को स्किप करिए और इसको पूरा इसमें बताइए कि इसमें कौन सा गलत है। यानी रॉन्ग टर्म में होता है क्या है फ्रेंड, कि आपको श्रेणी में बताना रहता है कि इसमें कौन गलत है। आपको 1 मिनट का टाइम दे दिया जाता है, आप बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो स्किप कर लीजिएगा, मैं अभी बताता हूँ, उस समय आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से 8 से 9 कैसे आ गया, 9 से 20 कैसे आ गया, और इसमें यार कंफ्यूजन आपको बहुत होगा कि कौन गलत है कौन नहीं। तो सिंपल क्या है, मैं बताता हूँ, इसका एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, 8 मल्टीप्लाई बाई 1, उसके बाद क्या किया है, +1, ये लॉजिक है, ठीक है। आप 8 का गुणा 1 में करेंगे, +1 करेंगे, ये 9 आएगा, करके देख लीजिए। देखिए मैं खुद कर देता हूँ, 8 गुणे 1 बराबर 8 आ गया, और +1 करेंगे बराबर आपका 9 आ गया। आ गया कि नहीं। अब देखिए यही चीज़ 9 है, तो 9 × 2 + 2, ये देखिए बहुत इजी से इजी है फ्रेंड, आपको बहुत एकदम झक्कास समझ में आएगा, ठीक है। 9 दूना के 18, 18 + 2 कितना होता है, 20, ये आ गया। अब यार इससे सरल है क्या। अब देखो इसका गुणा 3 बार होगा और +3 होगा, और यार ये तो बहुत बच्चों वाली खेल बता रहे हैं सर। तो जी सर, ऐसा ही है, एकदम तो बच्चों वाला खेल, ठीक है। तो 3 दुना के 6 यानी 60 हो गया, और +3, लो, भाई हमारा चोर पकड़ा गया। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 64, क्या लिखा है, 64, और भाई यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 63। तो कंडीशन आ गई कि नहीं समझ में। अगर हम इसको, अगर आप चाहेंगे कि सर अगला करिए, ये 256 क्या आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। अभी तक हमने यहाँ पर 3 तक किया, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 + 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 हो गया, और 6 चौक 24 = 25 हुआ। अब 25 और 4 जोड़ेंगे तो फ्रेंड 6 4 2 6, उसके बाद 5 के 5 और 5, तो क्या 256 आ रहा है। तो जी, तो हमारा चोर कौन था भाई, ये था रॉन्ग आंसर, ये हुआ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर कर सकते हैं तो वीडियो को स्किप करिएगा। तो सो फ्रेंड, आप इसको वीडियो स्किप करिए और देखिए इसका आंसर कौन गलत है, और मैं अभी आपको बताता हूँ, आप वीडियो स्किप करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यार कि ये कैसे हुआ, और ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अच्छा, ये चीज़ जानने के लिए आपको बहुत छोटा बेसिक चीज़ जानना होगा, ठीक है। आप क्या काम करेंगे, +1/2 कर देंगे, क्या काम करेंगे, +1/2, क्या ऐसे आंसर आ जाएगा। तो जी, ऐसे आंसर आ जाएगा। हम क्या काम करेंगे, 1015 लिखेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं, +1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1016। अब /2 करेंगे तो करके देखिए क्या 508 आ रहा है। तो जी फ्रेंड, 508 आ रहा है, अभी तक मतलब हमारा नंबर सीरीज चल रहा है श्रेणी से, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, फिर इसको क्या काम करेंगे, हम +2 करेंगे इसमें, क्योंकि हमने अभी +1 किया, अब +2 करेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, ये वाला है, तो 508 + 2/2, ठीक, समझ में आ रहा है, 508 + 2 + 2। अब यहाँ पर +1/2 किया, यहाँ पर +2/2 किया, इसमें +3/2 करेंगे, ठीक है। यही श्रेणी आपको चलते जाना है। अच्छा, आप देखिए इसमें सही आ रहा है क्या आंसर, तो 508 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 510/2। यार बहुत सटीक है, आपने बता दिया कि आप अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर 255 तो आना फिक्स है। तो सो सर, एकदम सही है आपका। अब यहाँ पर हम करेंगे
255 आया, ठीक है। अब 255, अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन यहाँ पर प्लस हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर +1 किया, यहाँ पर +2 किया, यहाँ पर +3 करेंगे, ठीक है, +3 कर दिए। अब +3/2 करेंगे, क्या हमारा आंसर ये आएगा? अगर आएगा तो हम चेक करते हैं। तो देखें सीधा सीधा, 5 × 3 = 8 हुआ, 5 × 5 = 2। अब बटे में अगर 2 करिए या फिर ऐसे भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप भाग करेंगे तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 129 आ रहा है। क्या आपका भी आंसर इतना आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताएं। अगर आपको भाग नहीं समझ आए तो मैं भाग करके बता देता हूँ। 258/2 करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो गया, कट गया, 2 × 2 = 4 हो गया, बचा 1 और ये 8, 2 × 9 = 18, तो आपका 129 ही आएगा। अब भाई यहाँ पर मिसिंग नंबर में आपका चोर कौन है? ये महाशय बैठे हैं, तो मिसिंग नंबर के चोर एक तो ये पकड़े गए, ठीक है। अच्छा, हम अगर क्रम वाइज चलेंगे इसी तरीके से तो क्या हमारे सही आंसर रहेंगे? तो बिल्कुल सही, आप जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, आपके टोटल आंसर मिलते जाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया कैसे होगा। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर ना समझ में आए, आपको बहुत लड़के ऐसे हैं ना बेसिक लेवल के हैं, बेसिक लेवल वालों से ये निवेदन है, आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए कि सर एकदम मतलब बहुत आसानी से बताइए, सरल तरीके से बताइए, तो और सरल तरीके से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप इस इस सवाल को करिए। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप वीडियो स्किप करिए और करिए, फिर हमारे वीडियो पर आइए, ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं, ये कैसे होगा। अच्छा तो ये कैसे होगा, हम ये बतानी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस में 0.5 ऐड करना है, ठीक है। आपको क्या बताया गया, 0.5 से मल्टीप्लाई और 0.5 ऐड करना है, तो आप करिए ना इसको, 0.5 से मल्टीप्लाई करिए और +0.5 जोड़िए, देखिए क्या आता है। तो चलिए मैं करता हूँ। अब भाई 5 × 7 = 35 कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव था तो दशमलव लगा दिया, 3.5 है, और प्लस हम 5 जोड़ देते हैं, प्लस पॉइंट फाइव हमारा कितना आ गया भाई, 10 आ गया, ठीक है। अब 3 इधर हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4, 4.0 हो गए, तो हमारे आंसर भाई अभी तक तो ये ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये ना समझ में आया हो कैसे जोड़ा, तो आपको दशमलव का जोड़ भी इसी में बता देता हूँ। 3.5 हुआ और +0.5 हुआ, तो 5 × 5 = 10, 1 × 3 = 4, दशमलव की जगह दशमलव। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? आई होप अगर समझ में आया होगा तो यस टाइप करिए, ठीक है, कमेंट में यस टाइप करिए, तो मुझे लगता होगा आप यस टाइप किए होंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, अब क्या है, अब मैं आपको यहाँ तो हमने बता दिया भाई 0.5 से, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर जब हमने एक सीढ़ी बताई है आपको, कोई चीज़ लेवल टू लेवल चलती है, तो 0.5 हो, यहाँ पर × 1 करेंगे, क्या करेंगे, × 1, 4 × 1 + 1, 4 × 1 = 4 और +1 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड हमारा, 5 आंसर आएगा, ठीक है। 4 × 1 तो 4 ही आएगा और +1 करेंगे तो 5, तो जनरली हमारा 5 भी सही है, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। अब हम आपको एक और बताते हैं, यहाँ तक 5 तक तो पता चला अभी कोई चोर नहीं है, मतलब रॉन्ग टर्म इन सीरीज कोई नहीं है, इसमें मिसिंग बता दिया गया था 64 निकला था, आप जान चुके हैं, इसमें बता दिया गया था 130 निकला था, ये भी आप जान चुके हैं। अब ये जानेंगे कि इसमें कौन है, तो अभी तक हमने 0.5 का किया, 1 का किया, अब 1.5 से इससे करना है, तो 9 × 1.5, और यहाँ पर जोड़ना भी जितने का करेंगे उतना जोड़ेंगे भी, तो हम +1.5 जोड़ेंगे, करिए, क्या इतना आंसर आ रहा है? तो आप भी करिए, हम भी करके दें, और इसको जल्दी करने के लिए मैंने आपको बताया, वीडियो स्किप करिए और जल्दी करके हमें आंसर दीजिए कौन गलत है। चलिए हम करते हैं भाई, 5 × 9 = 45 = 5, हाथ में लगा 4, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 45 तो पूरा लिखा जाएगा क्योंकि एक ही अंक है, 9 का 9 रह जाएगा भाई, 9 × 1 = 9, ठीक है। अब आ गए आपके आंसर, 5 × 5 = 5, 9 × 4 कितने हुए आपके, जोड़िए जोड़िए कितने हुए फ्रेंड्स, 9 × 4 = 13 होंगे, ठीक है, तो 1, 3, 5, और ये दशमलव लगा है ना, तो दशमलव तो लगाना पड़ेगा एक अंक पर, ठीक है। अब आप जोड़ेंगे क्या इसमें,
डेढ़, क्या जोड़ेंगे फ्रेंड, 1.5, तो जोड़िए क्या आपका आंसर आ रहा है। तो देखते हैं, 10 के 0, 3 1 4 1 5, ये आ रहा है 15.0। हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, कमी, क्या कमी थी, हम यहाँ पर पहले जल्दी आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये 9 तो निकालना है 5 से, तो हम यहाँ पर 0.5 का किए हैं, इसमें 1 का किए, तो इसमें तो 1.5 का तो भी करना बाकी था, तो 9 कैसे चेक किया हम आपने, आपको तो बताना चाहिए था ना 9 चेक करना है। तो जी, तो हम क्या काम करेंगे, 5 × 1.5, ओके। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई आप करिए और करके अब देख लीजिए, 5 × 25 = 5, 2, फिर यहाँ होगा 5 × 1 = 2, 7.5 होगा, और उसमें हम 1.5 जोड़ेंगे, कि जितने का मल्टीप्लाई उतने का प्लस भी तो करते हैं, तो 5 × 5 = 10, 1 × 7 = 8, 9.0, हमारा 9 आंसर ये सही है। तो हम अब इसमें किसका करेंगे, 2 का, अभी तक हमने किसका किया यहाँ पर पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, रुक रही आप, मैं इसको इरेज करता हूँ, तो इरेज करके आपको अभी बताता हूँ भाई कैसे होगा। तो देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 5 में अगर हम सॉरी 5 में मल्टीप्लाई 1.5 का करेंगे तो आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो जनरली आप करके देख लीजिए, जैसे मैं अभी इस तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, 5 × 5 = 25 5 × 2 = 5 5 × 1 = 5 2 7 हो गया, 7.5 हो गया, इतना आपको पता हो गया, और जितने का मल्टीप्लाई करेंगे उतना जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1.5 जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 10, 1, तो 7 × 1 = 8, 9.0 हुआ, तो ये आंसर तो आपको पता चल गया कि ये 9 होगा। अब इसमें हम कितने का करेंगे, मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, तो 9 × 2 + 2, यहाँ पर हम कहें यहाँ पर 9 × 2 किया प्लस 2 करेंगे, 9 × 2 = 18 + 2, तो आपका जनरली आंसर क्या हो जाएगा, 20। वैसे भी आप लोग इतने समझदार हो यार, तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 × 2.5 और +2.5, ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे और +2.5 करेंगे, तो आपका आंसर देखिए क्या 50 बना रहा है, नो नेवर, कभी नहीं आएगा। अभी अब आप करिए, वीडियो को स्किप करके कर लीजिए, उसके बाद हमें बताइए, और मैं कर देता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा साफ कर लेता है, नीचे कर देता हूँ आपके लिए, 20 × 2.5 करेंगे तो सिंपल क्या है, 5 × 10, यहाँ पर आ जाएगा आपका 40, 0.05, ठीक है, तो 1.5, तो यहाँ पर 50.0 है, और ऐड कितना करना है, 2.5, तो 2.5, 5 की जगह 5, 2, 52, 52.5 आ गया, क्या आपका 52.5 आया है, नहीं, तो आपका ये आंसर बिल्कुल गलत है, यही मिसिंग है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अच्छा, इतने क्वेश्चन, अब इसको करिए आप लोग, वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं, और मैं इसको इरेज करके इसको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों के लिए कुछ मिनट के लिए कुछ सेकंड के लिए टाइम है, आप इसको करिए, तब तक मैं बताता हूँ, ठीक है, चलिए। तो हमें लगता होगा आप लोग समझ चुके होंगे इतने देर में कि आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई 1/2, इसका रेशियो ऐसा चला है, आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप लगा चुके होंगे तो मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे 900 है, 900 × 1/2, आप समझ गए होंगे यार कि 450 आएगा, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कहेंगे आप 180 कैसे आया, तो एक इसका भी है, 450 × 2, तो चलिए यहाँ पर 450 यानी 450 × 2 है, कितना आएगा भाई हमारा, 900, 900 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जनरली 180 आ जाएगा, जैसे आप कर देख लें, 5 × 5 किया हमने, यहाँ पर बचा कितना, 4, फिर 5 × 8 = 40, ये 40 कटा, यहाँ पर 0 आया, तो 180 आ गया आपका, अभी तक तो पता चला कि ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसी तरीके से, अब क्या था, मल्टीप्लाई हमने आपको एक रेशियो बताया कि पहले में मल्टीप्लाई बाई 1/2 रहेगा, दूसरे में मल्टीप्लाई बाई 2/2
टू रहेगा, नहीं, सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई 2/5 रहेगा, ओके। और फिर तीसरे में क्या रहेगा, यही आएगा मल्टीप्लाई 1/2। फिर चौथे में क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2/5। तो हमारा यहाँ तक हो चुका है, अभी मल्टीप्लाई 2/5 होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है, ये तो करना है हमको। चलिए तो आप करिए, उसके बाद बताता हूँ। तो आपने कर लिया 180, 180 मल्टीप्लाई बाई 1/2 किया आपने। अगर आपने कर लिया हो तो काफ़ी अच्छी बात है। मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो आपका कितना है भाई, 2 9 2 2 1 2 हो गया, 9 2 18, तो यहाँ पर 90 आ गया आपका, 90 सही है। अब आप क्या काम करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाई 2/5 करिए आप, क्या आपका आंसर आ रहा है, 9 2 18, 180/5 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 3 15, बचा हमारा 3 0, 5 6 30। हेलो फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं चोर फिर पकड़ा गया, गलती आपकी यही है कि ये मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखूंगा और आप उसको करके बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में आपको फिर बता दूंगा। हेलो स्टूडेंट, तो आपने सब कुछ देखा होगा, मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा, ये इरेज कर कर आपके लिए वो क्वेश्चन बना कर लाया हूँ, आप इसको करिए, और नहीं आए तो कमेंट लाइक शेयर, और हाँ एक काम तो बनता है यार, सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।